नमस्ते प्रणाम और दिल से आप सबको दिल से थैंक यू कि बिहार में हुई गाना आप लोगों ने इतना प्यार दिया, प्यार दी रहे हैं कि जब से रिलीज हुआ है तब से आप लोगों ने ट्रेंडिंग में बनाए रखा उसको आशीर्वाद के साथ। और एक सिनेमा जो मेरा दशहरे पर रिलीज होने वाला है आप सबके आशीर्वाद के लिए, आप सबके प्यार के लिए, जिस सिनेमा का नाम है संघर्ष 2। बड़ी प्यारी सिनेमा बनी है वो और हम लोगों ने कोशिश की है, लेकिन कुछ लोग हमारे भाई बहुत जो हमको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो अपने दिल में रखते हैं, मेरे बिना वो जी ही नहीं सकते, उनका कहना नाम है कि सिनेमा का तो रिलीज नहीं हो रही। इनको ज़्यादा खबर रहता है क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन इन्हीं के हाथों से होता है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, सिनेमा रिलीज हो रही है और आप लोग भर भर के जो प्यार दे रहे हैं वो सिनेमा हॉल में जाकर दीजिए, क्योंकि आप लोग चाहेंगे तो सिनेमा बड़ा हो सकता है, क्योंकि आप सबके मनोरंजन के लिए ही बनाया गया है। जिस तरह आप लोगों ने फरिश्ते को इतना प्यार YouTube पे दे रहे हैं, हॉल में दिया, हर जगह फरिश्ते के गाने हो या फरिश्ते के कहानी हो या फिल्म को आप लोगों ने बहुत प्यार और आशीर्वाद से भर दिया। गाने मेरे थोड़े से रिलीज कम हो रहे हैं तो अभी सिनेमा पे ज़्यादा फोकस है और कोशिश है कि जिससे भोजपुरी का भला हो सके उस पर भी काम किया जाए, और सिनेमा ही है एक जरिया है जिससे हम भोजपुरी को बड़ा कर सकते हैं, भोजपुरी की कहानियों को दुनिया को बता सकते हैं कि हमारी कहानी क्या है। तो बहुत सारे भाई जो मैं बोला नहीं आपको, जो ज़्यादा हमको प्यार करते हैं उनको पता है कि सिनेमा का तो नहीं हो रही है रिलीज, क्योंकि उनको सब पोस्ट प्रोडक्शन उन्हीं के द्वारा होता है ना। अब लोग अपना काम छोड़ कर वो मेरे बिना चल ही नहीं सकते, उनके दिमाग में एक चीज़ है कि वो, क्योंकि वो बहुत प्यार करते हैं मुझसे, वो मेरे बिना जी ही नहीं सकते, मेरे बिना रह नहीं सकते। नहीं बोलता हूँ यार, मैं नहीं बोलना भी चाहता हूँ क्योंकि चीज़ें ठीक नहीं लगती हैं। कोई इतना मेहनत करके कोई काम करता है और अचानक से आप अपने अच्छी जुबान से आप किसी को बोल देते हो जी नहीं ये चीज़ें नहीं आ रही है, नहीं हो रही है, तो ये गलत है ना। किसी का मेहनत है, कोई प्रोड्यूसर 2.5-3 करोड़ रुपए खर्चा किया है, कोई आदमी 40 दिन मेहनत किया, अपने जान पे खेल के आदमी हमने शॉट दिया है और अचानक से आप अपने जुबान से निगेटिव पब्लिसिटी करते हो कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रही है, गलत बात है। प्लीज़ आप मत करिए ऐसा, आप बेहतर तो कर नहीं सकते अपने जीवन में, आपको तो बस घर में बैठ के और क्रिटिसाइज कर देना है कि कौन क्या है, कौन गलत है, कौन सही है। तो आप अपने आप को गलत सही देखो ना, आप कितना गलत हो कितना सही हो कि किसी की मेहनत को रोकने की कोशिश कर रहे हो। कोई भी आदमी हो अगर किसी के मेहनत को रोकने की कोशिश करता है तो भगवान उसका भला नहीं करता है, 2 पैसे कमा लोगे, लेकिन दुनिया की सच्चाई है भाई कि पैसे घर तक, घर वाले घाट तक, उसके बाद कोई सच्चाई नहीं है। मरने के बाद इंसान की अहमियत समझ में आती है कि वो कितना बेहतर था। जब तक जिंदा है तब तक तो हमारा कहीं ना कहीं निंदा होबे करेगा, सबके लिए तो हम अच्छा हो नहीं सकते, लेकिन मरने के बाद दुश्मन तारीफ करे तो समझ में आता है कि हमने बेहतर जीवन में, आप नहीं लेकिन कोई भी आदमी मरने के बाद ही उसकी इतिहास लिखी जाती है। तो आप बेहतर करो जीवन में। लोग कहते हैं कि इसी जीवन में है, एक ही जीवन मिला है, सब कुछ कर लेना है, नहीं, इसी जीवन में अच्छा भी करना है भाई। इसके लिए अच्छा करने के लिए अलग जीवन नहीं मिलेगा आपको। तो ज़िंदगी में जब जीवन मिला है ना तो बुराई के साथ साथ अच्छाई भी करो। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर बुरा करने के लिए ये जीवन मिला है तो अच्छा करने के लिए भी यही जीवन है, इसी में अच्छा भी करना है हमें, तो आप करो। मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन किसी की मेहनत को रोकने की कोशिश मत करो, किसी की मेहनत को नीचे मत दिखाओ। तो रिलीज हो रही है हमारी सिनेमा और दशहरे में आ रही है, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और डबल खिड़की से लेकर बिहार में हुई बहुत सारे गानों को आप लोगों ने, माल के मोबाइल से लेकर, सबको इतना प्यार और आशीर्वाद आप दे रहे हैं। तो ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद देते रहिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें भी है मार्केट में आने की बाकी है, आप लोग ऐसा ही प्यार और ऐसे बात भर भर के देते रहिए। उसके बाद छोड़िए ना खेसारी को, खेसारी तो आपका बेटा है, आपका भाई, आपके गोद में बैठने वाला आदमी, हम तो ऐसा ही फाड़ते रहेंगे एकदम मार्केट को, आप लोगों के हिसाब से चीज़ें करते रहेंगे, आप लोगों के प्यार में करते रहेंगे, ऐसे ऊर्जा के साथ करते रहेंगे। तो कोशिश हमारी है जो हम बेहतर काम करें, बाकी दुनिया क्या कहती है उस पर फोकस नहीं है। बट मैं उनसे भी बोलना चाहता हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप अगर मेरी मेहनत को नहीं सराह सकते तो प्लीज़ आप बुराई उसकी मत करिए। उससे क्या होता है कि भोजपुरी बदनाम होती है, भोजपुरी की चीज़ें बुरी होती है। तो आप सोशल साइट पे किसी की बुराई कर रहे हो तो उस
कई जगह जाती है ना, हर भाषा की दुनिया देखती है, हर भाषा के लोग देखते हैं। और आपके पास काम अगर नहीं है, अगर मेरा ही बुराई करने के लिए है, अगर दो घर आपका घर चल रहा है तो अच्छी बातें हैं, आप करिए उसके लिए, ठीक, मैं कुछ बोलूँगा नहीं। बट ये सब चीज़ें मत करिए, किसी के पैसे लगे हैं, किसी की चीज़ें कि ये नहीं हो रही है, वो नहीं हो रही, आपके बस का बात तो है नहीं रोक लेना उसको रिलीज से। तो जब आपके बस का है नहीं तो फिर आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों इतना भी मतलब कि अपने दिमाग का दहिक बना रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें नहीं हो रही। आपके कह देने से चीज़ें हो जाएगी कि नहीं होगा, आप क्या है, क्या है आप, कुछ है क्या, कुछ है तो नहीं, बस रूम में बैठ कर दो बकचोदी कर लेना है आपको, उससे ज़्यादा तो कुछ आता नहीं आपको। तो क्यों मत करिए ऐसे, अच्छी चीज़ें बनाइए ताकि आने वाले भविष्य में आपके भी बच्चे देखें तो आप कहें जहाँ पापा ने अच्छा काम किया। आने वाले भविष्य में आपके भी बच्चे देखेंगे सब चीज़ें तो यही सब देखेंगे, और कमेंट देखेंगे तो क्या सोचेंगे वो लोग, तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। अच्छा, ख्याल रखिए, आप भी खुश रहिए, और हमारे जो मुझे प्यार करते हैं वो तो खुश ही हैं, उनके खुशी में ही हमारी खुशी है। और कोशिश करता हूँ हर दिन उनके बेहतर के लिए, उनकी खुशी के लिए काम करूँ, और मैं बेहतर काम ही करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मुझे काम ही आता है, इसके अलावा कुछ आता नहीं है। और मैं काम के बदौलत ही यहाँ तक पहुँचा हूँ, अदरवाइज हमारी क्षमता क्या है, क्या थी, क्या नहीं थी, आगे क्या होगी इस पता नहीं, बट इतना ज़रूर है कि बस काम आता है, कोशिश करता हूँ बेहतर काम करने के लिए, सिर्फ अपने ऑडियंस के, अपने जनता रूपी भगवान के लिए। तो मेरे भगवान मेरे साथ है तो मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान मुझे पीछा कर देगा, और किसी के कहने से मेरी अहमियत पीछे होगी। तो आप कोशिश करिए, बेहतर को बेहतर बताइए, जो गलत है उसको बिल्कुल गलत बताइए, उसके लिए हम कह नहीं रहे कि आप गलत मत बताइए, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं भगवान नहीं हूँ कि मैं जो करता हूँ सही, हो सकता है मेरे से भी गलती होती है, तो हाँ अगर गलती करते हैं तो बताइए, लेकिन जब अच्छा करते हैं तो आपका ही, जब अच्छा करता हूँ तो उसको कौन बताएगा, गलती तो आप मेरे निकालते हैं, लेकिन जब खेसारी अच्छा करता है तो उसको कौन बताएगा, वो भी आपका ही काम है, तो भी बताइए और लोगों तक अपना प्यार और आशीर्वाद लीजिए। अपने बच्चों के लिए सोचिए, जे आप किसी के लिए बुरा कर रहे हैं तो आपके बच्चों के लिए कहाँ से अच्छा होगा। बड़े पुत्र पिता के धर्म में खेती उपजे अपना कर्म, जिंदगी का दस्तूर है कि जो पिता करता है वो बच्चों को मिलता है, और इसी जन्म में सब कुछ भोगना है भाई। तो अच्छा बेहतर करिए और जिंदगी को एकदम इंजॉय करके जिए, सबको मैं बोल रहा हूँ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।